जो फिर ये युवा लोग पार्टी संगठन में दी गई अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के साथ साथ अपने युवा साथियों को भी बीएसपी में जोड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पार्टी में अलग से कोई भी युवा संगठन व फ्रंट आदि बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार बीएसपी में छात्र व महिलाओं आदि को भी जोड़ने के लिए अलग से कोई फ्रंट भी नहीं बनाया जाता है, बल्कि सीधा उन्हें उनके परिवार के जरिए ही बीएसपी की विचारधारा एवं संगठन आदि से जोड़कर फिर इनको भी हर स्तर पर तैयार किया जाता है, जो दूसरी पार्टियों में आसानी से देखने के लिए नहीं मिलता है। अर्थात इन सब मामलों में हमारी पार्टी की सोच व संगठन एवं स्वरूप आदि दूसरी पार्टियों से काफी हद तक भिन्न है, अलग है। और अब मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारे भोले भाले लोग अब आगे ऐसे किसी भी संगठन के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे, और अब ना ही इन्हें आगे कोई चंदा भी देंगे और ना ही आगे इनके किसी भी प्रोग्राम आदि में भी शामिल होंगे। हालांकि इस संबंध में वैसे हमारे लोगों को ये भी मालूम है कि इसी किस्म के संगठनों की वजह से ही पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में दिल को दहलाने वाला दलित उत्पीड़न कांड हुआ था, जिसकी आड़ में फिर वहां दलित विरोधी व जातिवादी तत्वों द्वारा मेरी खुद की हत्या कराने का भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसे फिर हमारी सूझबूझ की वजह से कामयाब नहीं होने दिया गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि इस अति गंभीर व संवेदनशील मामले को भी संसद में नहीं उठाने देने पर तब फिर मुझे संसद के अंदर ही अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा तक भी देना पड़ा है। ये बात भी सर्वविदित है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अंत में देश में इस समय पांच राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव होने के संबंध में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी तक मैंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में दो राज्यों में अर्थात छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाएं की हैं, और इन दोनों राज्यों में से अभी छत्तीसगढ़ राज्य में वोट पड़ चुके हैं, और इसके बाद अब इसी महीने 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में भी वोट पड़ जाएंगे, और मुझे छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश स्टेट में वहां मेरी चुनावी जनसभाएं होने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस बार कतई भी वहां सत्ता में वापस आने वाली नहीं है, और ना ही अब आगे देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार की विफलताओं की वजह से फिर से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। और इस बात का एहसास खुद बीजेपी व आरएसएस तथा केंद्र में इनकी सहयोगी पार्टी खासकर शिवसेना को भी है। इसलिए अब ये पार्टी एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपनी विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अयोध्या में पर्दे के पीछे से खासकर अपने साधु संतों आरएसएस व शिवसेना आदि को आगे करके वहां बड़े पैमाने पर राम मंदिर निर्माण कराने का अभियान चलाए हुए हैं, जबकि ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित पड़ा है। इसलिए इस मुद्दे को इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निपटाना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसी मेरी इनको सलाह भी है। धन्यवाद।